हम सबके घर या ऑफिस में डेकोरेशन के लिए कोई ना कोई चीज रखी होती है, जैसे कि एनिमल्स की फोटो फ्रेम, कोई फेमस मॉन्यूमेंट का फोटो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स या ऐसे ही कुछ और चीजें जिससे हमारे घर या ऑफिस को ब्यूटीफुल लुक मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शोपीस के कुछ चीजें घर या ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए? वो कौन सी चीजें हैं और उसका क्या नेगेटिव रीजंस है, वो आज हमको इस वीडियो द्वारा बताएंगे। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखते हैं ऐसी कौन सी अनलकी चीजें हैं जिसको नहीं रखनी चाहिए। कैक्टस और थॉर्नी प्लांट्स। घर या ऑफिसेस में कैक्टस का प्लांट नहीं रखना चाहिए, या फिर कोई भी थॉर्नी यानी कि कांटे वाले प्लांट्स को भी नहीं रखना चाहिए। रोज का प्लांट या फिर मेडिसिनल प्लांट चलेगा, क्योंकि थॉर्नी प्लांट्स टेंशन को बढ़ावा देते हैं हमारे लाइफ में। आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स। वास्तु एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स घर या ऑफिस में नहीं रखें, क्योंकि उससे एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सनशाइन और बैड स्मेल भी आ सकती है। शो पीस ऑफ इमेज ऑफ ताजमहल। लोग ताजमहल को ब्यूटीफुल और सच्चे प्यार का खूबसूरत एग्जाम्पल मानते हैं, पर वो डेथ को सिम्बोलाइज करता है और चुपचाप रहने से सहन करने वाले भाव को भी व्यक्त करता है, क्योंकि देखा जाए तो ये शाहजहां की वाइफ मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में बनाया है। तो ऐसा कोई भी फोटो या शोपीस अपने ऑफिस या घर में ना रखे। ब्रोकन थिंग्स। घर या ऑफिस में टूटा हुआ फर्नीचर, फ्लावर पॉट्स या बर्तन ना रखे। टूटी चीजें रखने से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। टूटे हुए मूर्ति या मिरर को भी ना रखे। मेस इन बेडरूम। बेड के नीचे कोई भी चीजें ना रखें, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है और शांति से सोने नहीं मिलेगा। बेड के नीचे चप्पल सैंडल्स भी ना रखें। स्टैचूज और पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स। वास्तु एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि घर या ऑफिस में एनिमल्स या बर्ड के स्टैचू या पेंटिंग ना रखें, जैसे कि पिग्स, आउल, स्नेक्स, बैट्स, ईगल, वल्चर्स, ये सब एनिमल या बर्ड की स्टैचू और पेंटिंग अवॉइड करनी चाहिए। कपल्स की बेडरूम में सिंगल बर्ड या एनिमल का फोटो नहीं रखना चाहिए। किसी भी वाइल्ड एनिमल की फोटो या पेंटिंग नहीं रखे, क्योंकि वो वाइल्डनेस की पावर को स्प्रेड करता है और घर के लोगों में वायलेंट बिहेवियर दिख सकता है। रामायण और महाभारत। वास्तु एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि घर में रामायण और महाभारत में हुई लड़ाई की तस्वीरें ना रखें, क्योंकि ऐसी तस्वीर रखने से फैमिली मेंबर्स के बीच झगड़ा या दुश्मनी होने के चांसेस है। वाटर फाउंटेन। कुछ लोगों को वाटर फाउंटेन वाली शोपीसेस पसंद आती हैं, तो वो अपने घर में ब्यूटीफुल फाउंटेन्स रखते हैं, पर वास्तु के अनुसार घर में ऐसा वाटर फाउंटेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंबल देता है कि आपकी लाइफ में आने वाले पैसे, सक्सेस ज्यादा वक्त तक नहीं रुक पाएंगे। वक्त के साथ पैसा और सक्सेस भी चला जाएगा। सिंकिंग बोट। डूबते हुए बोट की पेंटिंग्स या फोटो घर में ना रखें, क्योंकि ये सिम्बोलाइज करता है कि फैमिली मेंबर्स के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपके घर में ऐसी फोटो है तो तुरंत निकाल दें। नेगेटिविटी इन इमेजेस। पिक्चर्स या पेंटिंग्स जिसमें ट्रीज पे फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं है, सिंकिंग बोट्स, न्यूड्स, फाइट सीन्स जिसमें वेपन्स यूज किए गए हैं, ऐसे पिक्चर्स घर में ना रखें। इसके साथ ही सैड पिक्चर्स, रोते हुए लोग, ऐसी कोई भी फोटो घर में हैंग ना करें, क्योंकि ऐसी इमेजेस से आपके घर में नेगेटिव थॉट्स ला सकती है और उस वजह से घर में खुशियाँ कम होगी। जायंट्स एंड डीमंस। डरावने राक्षस की पिक्चर या फिर उनके वुडन और मेटल के स्टैचूज ना रखें। वाइल्ड टाइगर्स, जैकल्स, लायंस, इन सब की फोटोज भी घर में ना रखें। ऐसी चीजें रखने से ये लगता है कि फैमिली मेंबर्स में स्नेह और भाईचारा नहीं है। नटराज। नटराज का आइडल मोस्टली उनके घर होता है जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं, पर जैसे ही कहते हैं कि हर सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे ही नटराज आइडल के एक तरफ क्लासिकल डांस फॉर्म सिंबल करता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो तांडव नृत्य सिंबल करता है, जिसका मतलब है नाश होना। तो नटराज का पिक्चर या आइडल घर में ना रखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनलकी चीजें जिसको आपको घर या ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन मिला होगा और उसी तरह आपके घर या ऑफिस में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।